हमारी बगिया देखने वाले सभी मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर मैं अपने आंगन में आपको लेकर के आया हूँ और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पर्सलेन का फूल मेरे आंगन में। और पर्सलेन और पोर्टुलका दोनों लगभग एक ही कैटेगरी के फूल हैं और ये ऐसे फूल हैं जो आपके घर को बहुत ही कम मेहनत में, या यूँ कहे कि बिल्कुल बिना मेहनत में, घर को सजा देता है और रंग बिरंगे फूलों से भर देता है। अगर आपने कभी भी अभी तक गार्डनिंग नहीं की है तो सबसे पहले इस फूल को लगा करके अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट आता है। यूँ कहिए कि लगाने के लगभग दूसरे चौथे दिन में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। अगर उसमें कलियां है तो वो तुरंत ही खिल जाती है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, किसी भी तरीके के स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी सॉइल है उसमें आप लगा देंगे तो ये पौधा बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और एक बार अगर आप इसको लगाएंगे तो आप अपने गार्डन से कभी भी इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। चाहे आप इसको पानी दे या ना दे, ये हमेशा ही ज़िंदा रहेगा और इस तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों, पूरे गर्मी भर और पूरे बरसात में ये जो पोर्टुलका है वो फ्लावरिंग करता रहता है। किनारे ही देखिए जो है डैंथस का फूल भी इस गमले में लगा हुआ है और देखिए कितने सारे फ्लावरिंग इस समय हो रही है, जबकि सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो डैंथस एक ऐसा है पौधा है जिसमें कि आप इसके डेड हेडिंग्स करते रहेंगे, जो सूखे फूल है उसको कट करते रहेंगे, बीज नहीं बनने देंगे, तो ये फ्लावरिंग हमेशा करता रहेगा। देखिए उसी तरीके से इधर भी जो है दूसरे साइड में आंगन के यहाँ भी जो पर्पल कलर का डैंथस है तो ये भी पूरी तरीके से भरा हुआ है इस गमले में और इसके डेड हेडिंग्स मैं करता रहता हूँ। और जब बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा तब मुझे इसको थोड़ा सा शेड में करना होगा, यहाँ की बारिश का पानी इसे ना लगे। दोस्तों, यहाँ पर इस तरफ भी पर्सलेन और पोर्टुलका का जो पौधा है वो जो छोटे छोटे टब होते हैं जो तसले की तरह होता है बिल्कुल, तो उसमें लगा दिया है। और यहाँ पर ये कलर जो है काफ़ी सारे मिक्स भी हो गए हैं, एक एक टब में दो तीन कलर हो गए हैं, लेकिन प्यारे लग रहे हैं फिर भी। और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैं धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट कलर के अलग अलग टब को बनाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जल्दी और बिल्कुल बिना मेहनत के तैयार होने वाला ये पौधा है। आप एक छोटी सी डंडी को कहीं से भी तोड़ करके लगा देंगे तो पौधा वहीं से फैलने लग जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने गार्डनिंग कभी नहीं की है तो ये सबसे अच्छा पौधा है आपके गार्डनिंग के शुरुआत करने की। तो इस तरह के पौधे को या इस पौधे को अपने घर में अभी लगाइए और पूरे घर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे फूलों से अभी भर दीजिए। दोस्तों, नीचे तो टब में ये फूल है ही हैं, साथ में हैंगिंग बास्केट में भी मैंने ये फ्लावर लगा रखे हैं। और यहाँ पर देखिए वाइट कलर का पोर्टुलका है और साथ में ये जो बॉटल है ऑयल की, तो उस बॉटल के अंदर भी यहाँ पर पोर्टुलका लगा हुआ है। और दोस्तों, बॉटल का तो मैंने निकाला भी नहीं, वैसे ही दो साल से बॉटल में लगा हुआ है और अपने आप से फ्लावरिंग अपने टाइम आने पर होती रहती है। जबकि जो बाउल है दोनों तरफ हैंगिंग्स है तो इसमें सर्दियों में मैं पेटूनिया लगा देता हूँ और गर्मियों में जो है पोर्टुलका लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको सर्दियों में पेटूनिया दिखाई दिया होगा मेरे कई सारे वीडियोस में और इस समय जो है जो पोर्टुलका है उसको देख रहे हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों में और भी बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें होने वाली है। तो अभी बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा पहले भी लगा हुआ नहीं है ये फूल, तो अभी धीरे धीरे ये जो पॉट है वो जब भर जाएगा तो बहुत ही प्यारे जो फूल हैं उसमें और भी खिले हुए रहेंगे। और नीचे भी देखिए मेरे गार्डन में किस तरीके से जो विंका है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर के खिल रहे हैं। तो तीन चार कलर के जो भी विंका मेरे पास थे
तो उसी को कॉम्बिनेशन करके मैंने लगा दिया था। और देखिए ये अगले स्टैंड पर, यहाँ पर भी इसी तरीके से पर्पल कलर का फ्लावर जो है खिल रहा है, और ये बॉटल में है और इधर जो है वही बास्केट में है। दोस्तों इसको जो है आप कैसे भी लगा दे, हो तो जाता ही है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर इसमें कंपोस्ट का यूज़ करेंगे और जो सरसों के खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो बिल्कुल पतला करके अगर इसको देंगे तो और भी ज़्यादा ये फूलों से भर जाएगा। और इसके अलावा जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं। देखिए एक्जोरा भी मेरे जो पौधे हैं गार्डन में वो उसमें आने लगे हैं, तो एक्जोरा की भी शुरुआत हो गई है। किनारे गुड़हल भी है और यहाँ पर तो ओलियंडर हमेशा खिलता ही रहता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए शमी के पौधा तो है और उसके नीचे भी इस तरीके से इन फूलों से भर गया है। और दोस्तों ये मैंने लगाया भी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे जो है इस गमले के अंदर आ गया, अपने आप ही उगने लगा। और भी बहुत सारे गमलों में थे तो मैंने जो है वहाँ से उनको निकाल दिया, क्योंकि फिर दूसरे फूल जो है उस पर इसका असर होता है। ये जो भी आप सदाबहार और विंका के फ्लावर देख रहे हैं तो इसके गमलों में भी ये अपने आप से आ गए थे, तो उसको जो है मैंने निकाल दिया और केवल पॉट में ही मैंने रहने दिया। दोस्तों इसको पॉट में लगाना ही अच्छा है, क्योंकि ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है, बहुत ये जो है बड़ा हो जाता है और फिर जो है इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। और पॉट में रहेगा तो सीमित मात्रा में रहेगा, तो इसके अलग अलग कलर को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और मैंने जो है 11 तरह के कलर को इकट्ठा किया अभी तक, और इस बार जो है उसको भी मैं दिखाऊंगा कि सभी कलर का मैंने अलग अलग बॉटल में किस तरीके से यूज़ किया है और किस तरीके से अपने वॉल में इस पोर्टुलिका के गार्डनिंग को किया है। दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है कैन्या लिली का ये रेड फ्लावर। तो कैन्या लिली में रेड भी है, येलो भी है, इसके अलावा जो ऑरेंज कलर है वो भी है, और ऑरेंज और येलो का एक कॉम्बिनेशन कलर वो भी मेरे पास है। तो इस तरीके के फूलों का कलेक्शन धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, और ये सब बिल्कुल ऐसे फूल हैं जो एक बार आप लगा देंगे तो अपने आप, जब इसकी टाइमिंग होगी तो अपने आप फ्लावर खिलते रहेंगे, कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तब तो इसकी फ्लावरिंग की बात ही कुछ और होती है। दोस्तों फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि गमले में कम से कम जो भी पौधे लगाएं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते रहें, इससे जो है गमले की मिट्टी हमेशा उर्वरक बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी बहुत कम होती है उसमें, तो मिट्टी को हमेशा उसकी पावर चाहिए होती है। और बाकी अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो उसमें तो बिना खाद बिना कुछ दिए ही ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों पोर्टुलिका को आप इसके बीज से और इसके जो डंडियाँ हैं जो भी स्टिक है दोनों से ही आप लगा सकते हैं, दोनों से ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ही छोटे पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं। और आप फरवरी मार्च से लेकर के इसको जुलाई अगस्त तक भी लगाएंगे तब भी जो है ये फ्लावरिंग करता रहेगा, तो पूरी टाइमिंग अभी भी आपके पास बचा हुआ है, इसको आप अपने घर में ज़रूर से लगाइए, क्योंकि ये गार्डन को बहुत ही जल्दी महकाता है। दोस्तों आपके घर में जितने भी टूटे फूटे गमले हों या देखने में बहुत ही बेकार सा कोई कंटेनर हो तो ऐसे कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बार लग जाएगा तो फिर कंटेनर आपको दिखाई नहीं देगा, बस हर तरफ जो है इसकी फ्लावरिंग ही दिखाई देगी। तो इसलिए ये फूल जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों कॉस्मोस के फूल भी इस समय आप लगा सकते हैं, और जो गेंदा है एक तो हमेशा खिलने वाला होता है,
जो कि माला बनाने के लिए यूज़ होता है, मार्केट में ख़रीदने को मिलता है, तो उस तरह के गेंदे को भी आप लगा सकते हैं। गर्मियों में थोड़े छोटे फूल आते हैं, लेकिन जो सर्दियां हैं उसमें फूल जो है बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा गर्मियों का गेंदा जो है अलग से भी होता है, जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं। तो अगर आपको आसपास नर्सरी में मिल जाए तो वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी पर्सलिन का ही पौधा है, इसमें रेड रेड फ्लावर आते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने लगाया, तो अभी दो चार फूल आ रहे हैं, तो कुछ दिनों में ये भी पूरी तरीके से फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे जो है धीरे धीरे दिखाता हूँ कि और कहाँ कहाँ पर मैंने इस पौधशिलिका को लगा रखा है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की है और पूरे वीडियो को एक साथ बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉटल है ऑयल का, तो उसके अंदर मैंने इन फूलों को लगा दिया है। हालांकि आज ज़्यादा फूल इसमें खिले हुए नहीं हैं, लेकिन ये जितने भी बॉटल है सब में मैंने इस बार अलग अलग वैरायटी के जो फूल हैं वो लगा दिए हैं। तो सबका कलर अलग है और इसमें जो है हमेशा मैं रहने दूंगा इन फूलों को, क्योंकि अब जो है मैं इसको ज़मीन में नहीं लगाऊंगा, ज़मीन में काफ़ी फैल जाता है। और इस तरह से मेरे जो अलग अलग कलर के फूल हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे 11 बॉटल जो है मैंने लगा रखा है, और सभी के सभी जो बॉटल है तो सब में अलग कलर के फ्लावर ही है। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई कोई बहुत ही कम पौधे थे, या जब फूल खिले हुए थे तो उसी ब्रांच को ला करके मैंने इसमें लगा दिया था। तो इस तरीके से आप अपने बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर के फूलों को जो है अलग अलग कंटेनर में लगा सकते हैं, और एक लाइन में जब आप इसको लगा देंगे और फूल पूरा खिला हुआ रहेगा तो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये वॉल जो है खाली था हमारे घर में, तो यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है, और आने वाले टाइम में मैं इसके कलेक्शन को और बढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी ऊपर और नीचे जगह बची है तो वहाँ भी मैं जो है और भी अलग अलग कलर के इस तरह के बॉटल को लगा दूंगा। और यहाँ जो है ज़मीन में एक लाइन में इस पौधे को लगा दिया था शुरू में ही, तो यहाँ भी देखिए कितने सारे फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और बहुत सारे वीडियोस आप अब तक देख चुके हैं, लगभग लगभग 150 वीडियोस आप देख चुके हैं हमारी बगिया के। तो और भी एपिसोड मैं जल्दी ही लाऊंगा, तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।